लगातार जानकारी साझा करते रहिएगा। मैं यहाँ पर आपको बीच में रोक रही हूँ, एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आप दर्शकों को बता दें कि बजट सत्र पर रणनीति बनाने के लिए बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है विधानसभा में। ना पक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में और इस बीच जानकारी साझा कर दे दर्शकों के साथ में कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 11 बजे का वक्त है जब राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पिछले सत्र से अंतराल की अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। शोकाभिव्यक्ति के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होगी और गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र है और 8 फरवरी की तारीख जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में बजट पेश करेंगे, बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है। इस बीच सरकार की योजनाएं कई अहम बिलों को पास कराने की है। सरकार विधानसभा में तकरीबन 8 विधेयक ला सकती है, इसमें वित्त विधेयक के अलावा विनियोग विधेयक भी लाया जाएगा। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार राइट टू हेल्थ बिल को कानून बनाने की तैयारी कर रही है, यह बिल भी सत्र में लाया जा सकता है। लोक सेवाओं की गारंटी से जुड़े संशोधन विधेयक लाने की भी संभावना है और इसके साथ कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण, भर्ती परीक्षाओं के लीक होने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाते हुए सरकार संशोधन विधेयक ला सकती है। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सरकार ने भी जवाब देने के लिए अपने मंत्रियों को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा है कि इस बार का बजट किसानों के साथ साथ युवाओं पर भी केंद्रित होगा। और इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी सहयोगी विष्णु से मैं लेना चाहूंगी। विष्णु, क्योंकि 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष तैयार है कांग्रेस को घेरने के लिए और कांग्रेस तैयार है विपक्षी पार्टियों के हर सवाल का जवाब देने के लिए। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि विपक्ष रणनीति बना रहा है। इस समय भाजपा विधायक दल की बैठक या नापक्ष की लॉबी हो रही है और वो पूरी रणनीति बनाई है कि सरकार को किस तरह घेरा जाए इस पूरे सदन के दौरान, पूरी बजट सत्र के दौरान, इसको लेकर यहाँ रणनीति बनाई जा रही है। और वहीं दूसरी ओर सरकार भी पूरी तरह तैयार है विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए। अभी यहाँ पर गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा जाएगा, जनहित के जो मुद्दे हैं उनको घेरा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो उप सचेतक है सरकारी महेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि विपक्ष के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। यानी कुल मिला के दोनों ही तरफ से जवाब, हमला और जवाब, दोनों ही तैयारियां की जा रही है और इसको लेकर ये जो सत्र है ये काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। और इसी को लेकर यहाँ देख सकते हैं आप, लगातार गहमागहमी शुरू हो गई। अब पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और अब कुछ देर बाद 11 बजे यहाँ पर विधानसभा का सत्र शुरू होगा। उसमें पहले 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल कलराज मिश्र अभिभाषण पढ़ेंगे और उसमें सरकार की उपलब्धियों का जानकारी देंगे, बखान करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं उनकी ओर से पत्रादि ये रखे जाएंगे। और महेश जोशी मेरे साथ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, जो जलदाय मंत्री महेश जोशी यहाँ पर अभी विधानसभा में प्रवेश किए हैं और लगातार यहाँ आते जा रहे हैं। विधायक हों और बीजेपी के विधायक करीब करीब सब पहुँच चुके हैं और विधायक दल की बैठक चल रही है और बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक वो अब धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। मंत्री अभी महेश जोशी पहुँचे हैं, अभी सचेतक महेंद्र चौधरी से बात हुई थी, उनका कहना है कि सदन कुल मिला के क्योंकि आखिरी सत्र है, बजट सत्र है, चुनावों में जाना है इसके बाद, तो ऐसे में उन्होंने अपील की है विपक्ष से कि वो सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, कहीं कोई हंगामा नहीं करे। अगर उनकी भी कोई डिमांड है तो वो मुख्यमंत्री के सामने रखे, मुख्यमंत्री पूरी करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो गुलाबचंद कटारिया हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि 4 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, हमेशा लगातार सरकार विवादों में रही, चाहे पेपर लीक का मामला हो, राज्य में बढ़ती हुई बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो, इसके अलावा किसान कर्जा माफ़ी का मामला हो, किसानों की जमीन कुर्क करने का मामला हो, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर सत्र हंगामेदार रहने वाला है। बात कर रहे थे आज विधानसभा की कार्यवाही, राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के बाद जो विधेयक जिनको राज्यपाल मंजूरी दे चुके हैं उनको यहाँ पर सदन में मेज पर सदन में टेबल किया जाएगा और उसके बाद शोकाभिव्यक्ति होगी। उसमें केसरीनाथ त्रिपाठी हैं पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल रह चुके हैं उनको, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उनको दिया जाएगा, सरदार शेर से जो भाजपा विधायक थे जिनके अभी पिछले दिनों डेथ हुई है उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी, राजेंद्र कुमार हैं उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। और
इसके अलावा जो जोधपुर में रसोई गैस हादसे में मारे गए थे मृतक, उनको यहाँ पर शोकाभिव्यक्ति में श्रद्धांजलि जाएगी। इसके बाद आज की कार्रवाई फिलहाल यहाँ तक पूर्ण हो जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए बीएससी की मीटिंग में क्या तय होगा वो कार्यसूची फिर बाद में सदन पर रखी जाएगी और उसी के आधार पर आगे सत्र चलेगा। फिलहाल ये है कि यहाँ बीजेपी रणनीति बना रही है कि सरकार को हर कदम पर किस तरह घेरा जाए, कैसे उनको सरकार के हर मुद्दे को हर वो किया जाए कि उठाया जाए जिससे सरकार सदन को चलाने में जो है वो सही नहीं हो पाए, और इसको लेकर लगातार यहाँ पर रणनीति की जा रही है और इसी रणनीति के तहत ये बैठक चल रही है। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से, लगातार यहाँ पर विधायक पहुँच रहे हैं और सदन को लेकर सदन में बैठक के लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार विधायक जो हैं वो पहुँच रहे हैं, देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों के जरिए। ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है कैलाश मेघवाल, वो यहाँ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल बात ये अभी भी विधानसभा अध्यक्ष है, वो काफ़ी अनुभवी है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुल मिला के ये कि लगातार यहाँ पर आते जा रहे विधायक, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये शामिल होंगे और इसको लेकर यह लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लगातार यहाँ बैठक चल रही है, मेरे साथ मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं शशि मोहन, वो जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, उनसे बात करते हैं। शशि जी, इस बार क्योंकि आखिरी सत्र है और बजट सत्र है और हंगामेदार रहने की संभावना है, क्या किन मुद्दों पर सरकार घिरने वाली है और किन मुद्दों का जवाब देगी सरकार? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे इसमें माकपा शामिल हो या फिर आरएलपी हो, सभी अपने अपने मुद्दों के साथ में तैयारी करके आए हैं। बीजेपी का तो सबसे बड़ा मुद्दा है पर्चा लीक मामला है और इसके साथ में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जबकि निर्दलीय विधायक हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं संयम लोढ़ा, उनका भी एक मुद्दा है विशेष अधिकार हनन का। उन्होंने नोटिस दिया है विधानसभा के सचिव को कल नियम 157 के तहत, और उनका कहना है कि जब ये मामला स्पीकर के पास में था उस पर डिसीजन ही नहीं हुआ तो फिर प्रतिपक्ष के उपनेता कोर्ट में कैसे चले गए। इसके साथ में आरएलपी भी अपने मुद्दे उठा रही है। शशि जी, एक मैं डिस्टर्ब करूंगा मैं, क्योंकि अभी अभी हमारी राजेंद्र राठौड़ है उपनेता प्रतिपक्ष, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के तहत विशेषाधिकार हनन का मामला बनता ही नहीं है, फिर भी संख्या बल या बहुमत के आधार पर इसको स्वीकार करते हैं तो हम डटकर मुकाबला करेंगे। देखिए, आने वाले दिनों में ये सत्र रोचक रहेगा और अगर विशेषाधिकार हनन के इस नोटिस पर चर्चा होती है तो आप देखिए पुराने मामले भी आएंगे, फिर पुराने मामले जुडिशियल रिव्यू में न्यायपालिका में कौन कौन से गए, जब 2020 का राजनीतिक संकट आया था उस समय स्पीकर ने जो नोटिस जारी किए थे विधायकों को, वो मामला भी आएगा। इससे पहले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है देवस्थान बोर्ड के तहत, उसको एक उसके खिलाफ जांच की मांग की थी, उसके खिलाफ जो विधानसभा में भाषण दिया उस भाषण के हिस्से को लेकर के कोर्ट में गया मामला था, वो आएगा और इसी तरीके के दूसरे मामले भी आएंगे। लेकिन चुनाव में जाने से पहले विपक्ष के पास में सरकार को सदन पर जवाब देने के लिए मजबूर करने का ये एक बड़ा मौका है और इसलिए विपक्ष उसकी पुरजोर कोशिश करेगा। लेकिन 16-17 का जो चिंतन शिविर हुआ, उस चिंतन शिविर में सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस जांची गई, सरकार ने क्या बड़े काम किए ये तकरीबन सभी मंत्रियों के सामने आ गया, और इसका फ़ायदा सरकार को ये मिलने के आसार हैं कि सरकार के सभी मंत्री किसी भी मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों के हिसाब से सभी सवालों के जवाब तैयार करने के लिए आने के लिए कहा गया है और एग्रेशन के साथ में जवाब देगी सरकार, और इस एग्रेशन की अगुवाई करेंगे शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास। आप देखिए, पेपर लीक का मुद्दा जब जब आया तब तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगे आकर के बात रखी और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आरोपी थे, मुख्य सरगना थे, उनके घर पर बुलडोजर चलवाया, उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया, उनकी जो किराए की जहां संपत्ति थी वो भी अगर नियमानुसार नहीं थी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। इससे उन सभी लोगों में डर बैठेगा जो पेपर लीक के मामले में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों में और उनसे जुड़े हुए लोग भी दूर रहेंगे ऐसे घटनाओं से, ऐसी वारदात से कि पर्चा लीक करके अभ्यर्थियों का भविष्य खराब किया जाए। देखिए, तकरीबन हर परिवार में कोई ना कोई युवा है, बेरोजगार है, जो सरकारी नौकरी के लिए किसी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसे में आधे से भी ज़्यादा परिवारों को टच करने वाला ये इशू है। और जिस तरीके से रीट का मुद्दा गरमाया था उसी तरीके से पर्चा लीक मुद्दे पर सरकार से हर संभव जवाब मांगने की कोशिश करेगी बीजेपी, और बीजेपी को जवाब देने के लिए
सरकार ने तैयारी कर रखी है। अच्छा विष्णु, मेरे एक सवाल लीजिएगा, मैं चाहूंगी शशि मोहन साहब जानकारी लें इससे जुड़ी हुई, क्योंकि आसार पूरी तरीके से जताए जा रहे हैं कि इस बार का जो सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन बात कर ली जाए जनता की तो जनता की उम्मीदें ये हैं कि इस बार का जो सत्र है वो हंगामे की भेंट न चढ़ के जनता के मुद्दों पर जनता की आवाज उठाई जाए और जो जनता चाहती है उन तमाम बिंदुओं को लेकर सदन में बातें रखी जाए, ना कि राजनीतिकरण हो इस सत्र का। इसकी कितनी संभावना है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि महेंद्र चौधरी कह चुके हैं, जो उप सचेतक हैं, कि ये सदन लाखरी सदन है, ऐसे में दोनों ही पक्षों को यहाँ पर शांति रखते हुए जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। अभी अभी जस्ट बात हुई है महेंद्र चौधरी से, उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी कोई मांगे हैं वो भी रखी जाए। क्या लगता है कि ये कहाँ तक चल पाएगा? देखिए, विपक्ष की जो मांगे हैं वो रखने की बात महेंद्र चौधरी कह तो रहे हैं, लेकिन सरकार कितना मौका देना चाहती है विपक्ष को? क्या ये प्लेटफॉर्म विपक्ष के लिए छोड़ा जाएगा? क्या इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार विपक्ष को पूरी तरीके से जवाब देगी? दरअसल कई बार जब बहस होती है वो किस माहौल में हो रही है, किस सोच के साथ हो रही है, इस पर निर्भर करता है। अगर स्वस्थ बहस के नज़रिए से कोई नतीजा आए, इस नज़रिए से बहस की जा रही है, तो फिर दोनों पक्षों की बात कही और सुनी जाती है। लेकिन अगर बात सिर्फ इसी मकसद से कही जाए कि अपने वोटर को प्रभावित करना है, जनता को प्रभावित करना है, चर्चा में आना है और चर्चा में आकर के उस चर्चा को वोटर्स के बीच में फिर से ले जाना है और अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो फिर बीजेपी की तरफ से अलग अलग नेता अपनी तरह से एक तरह से कहें उसको प्रतिस्पर्धा होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति है, आज कार्यसमिति का समापन का दिन है। अगर यही सत्र दो दिन पहले होता तो आप मानिए वो दो दिन और ज़्यादा हंगामेदार होते, क्योंकि इस कार्यसमिति में उन मुद्दों की चर्चा होती, पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आते हैं उनके सामने उन मुद्दों की चर्चा होती कि किसने कितने प्रभावी तरीके से बात रखी है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की गाड़ी आई है, लेकिन पूनिया उसमें मौजूद नहीं है और पूनिया अंदर चले गए हैं। विधायक दल की बैठक जैसी शुरू हो गई है, विधायक दल की बैठक में भी बीजेपी घेरने की रणनीति बना रही है। हालांकि रणनीतिक तौर पर किन मुद्दों को पहले उठाया जाएगा, किन को बाद में उठाया जाएगा, ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।